बात करने वाले हैं कि यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे एडमिशन लिया, क्या फैसिलिटीज हैं और भी क्या होनी चाहिए, मतलब किस आप लॉ फैकल्टी में किस कोर्स में आप इनरोल्ड हैं? एलएलबी फर्स्ट ईयर। जैसे कि अभी ऐसा कहा जाता है, आपने एक और इंटरव्यू लिया में उन्होंने सर जो जज वगैरह थे उन्होंने बताया था कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट वगैरह में जाते हो इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करते हो तो बीएचयू नाम से ही मतलब दे विल गिव यू सच काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कि हाँ। फीस कितना लगता है एलएलबी करने का पूरा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देखिए काफ़ी कम फीस होती है। एलएलबी का एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी? ये सीयूईटी जो हो रहा है इसमें एलएलबी को पीजी में लोग बोल रहे हैं इंक्लूड कर दिया गया, ऐसा क्या? नहीं, नहीं, बात ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? इंद्रेश। इंद्रेश, इंद्रेश पहले से शायद जानते हैं ऐसा इनका कहना है, और हम आए हैं आज लॉ फैकल्टी के सामने, फैकल्टी ऑफ लॉ है, काफ़ी सारा काम कर चुके हैं हम इस पर पहले से ही, एल्यूमिनाई टॉक किया है और भी हॉस्टल्स को दिखाया है, छात्रों से बात कराया है, छोटे से संक्षिप्त वार्तालाप मिले हैं, तो हम भी सोच रहे हैं इनको रिकॉर्ड करिए, कम से कम एज ए रिकॉर्ड हमारे भी पड़े रहें, यादें रहेंगी। तो बात करने वाले हैं कि यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे एडमिशन लिया, क्या फैसिलिटीज़ हैं और भी क्या होनी चाहिए, मतलब किस आप लॉ फैकल्टी में किस कोर्स में आप इनरोल्ड हैं? एलएलबी फर्स्ट ईयर। एलएलबी फर्स्ट ईयर, हाँ जी। किस कितने साल का ये कोर्स है? थ्री ईयर का कोर्स है। किस तरीके से एडमिशन मिलता है एलएलबी बीएचयू एलएलबी में? देखो अभी तो सीयूईटी हो गया ऐसा सभी जानते हैं, बट बिफोर दिस नॉर्मल होता था बीएचयू का इंडिविजुअल एंट्रेंस होता था, जैसे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सभी इंडिविजुअल होता था, डीयू का अलग होता था, इसका अलग, तो मैंने इंडिविजुअल दिया था इसके पहले। अब तो सीयूईटी हो गया, अब जो भी देंगे वो सीयूईटी के थ्रू एनरोल्ड होंगे। मोस्टली 6 और 9 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इसके थ्रू होगा, हमने डायरेक्ट दिया था बीएचयू का। अच्छा, मतलब बीएचयू का अब सीयूईटी के थ्रू हो गया? अभी नॉट जस्ट बीएचयू, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं अब सीयूईटी के थ्रू ही होंगे उसमें एडमिशन। अब कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिना सीयूईटी के एडमिशन नहीं ले रही है। एक्चुअली होता क्या था, जैसे कि बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना है, जिसको जो बीएचयू देता है वो मोस्टली डीयू देता है या डीयू वाले बीएचयू देते ही हैं, तो उनको इंडिविजुअल फॉर्म फिल करने पड़ते थे फिर एग्जाम देने पड़ते थे। अच्छा। तो ऐसे हाँ प्रॉब्लम भी होती थी और पैसे भी लगते थे, तो गवर्नमेंट ने ऐसा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये अच्छा इनिशिएटिव है एनटीए द्वारा, सीयूईटी द्वारा? हाँ, एनटीए तो पहले भी कराती थी बीएचयू का, लेकिन जो सीयूईटी ये मर्ज कर दी है, इसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मर्ज कर दिया है। आप एक एग्जाम दोगे फिर अकॉर्डिंग टू योर रैंक यू विल गेट योर एडमिशन। अच्छा, तो डिफिकल्ट क्या था, बीएचयू का एडमिशन डिफिकल्ट था कि सीयूईटी का एडमिशन डिफिकल्ट है? एक्चुअली तो अभी नहीं बता सकते, नहीं तो फर्स्ट टाइम है, तो सीयूईटी का भी एडमिशन प्रोसेस तो शुरू होगा ना, अभी हुआ नहीं है। अब ये फर्स्ट टाइम, अब जो बच्चे एग्जाम उन्होंने दिया, अब जो एडमिशन होंगे अगस्त सितंबर तक वो सीयूईटी के थ्रू होंगे, अभी हुए नहीं है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अगर बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था तो क्या वो नेशनल लेवल का नहीं था, और ये जो सीयूईटी हो रहा है वो लोग बोल रहे हैं नेशनल लेवल का है, अच्छे अच्छे लोग आएंगे? देखो नेशनल लेवल का तो बिल्कुल था, जब आप तैयारी करते हो एग्जाम का, वो जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम, एक मतलब क्राइटेरिया उसका सेम ही होता है, मतलब ये नेशनल लेवल इसलिए बोल रहे हैं कि नेशनल लेवल पे एग्जाम हो रहे हैं। हाँ। मतलब कि बीएचयू में भी हमारे क्लास में ऑफकोर्स मतलब सभी स्टेट के बच्चे हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड भोपाल, एमपी वगैरह, मतलब सब सिंपल तरीके से समझा सकते हैं दोस्तों कि सीयूईटी की जो ऑडियंस है वो नेशनल लेवल की है, बिल्कुल पेपर और सिलेबस एक ही है। हाँ, अभी देखो सीयूईटी का थोड़ा सा सिलेबस वो डिफाइन किया है उन्होंने, जैसे कि आपका लॉ का होगा तो लॉ का कुछ उसमें फैक्टर जो इन्वॉल्व करेंगे वो होगा ही। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट हो गया सिलेबस, है ना, तो कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। सीयूईटी का वो वेबसाइट नोटिफिकेशन जो आएगा बहुत नॉर्मल सिलेबस है, आप उसको पढ़ सकते हो, तो सेम जो एग्जाम पैटर्न और उसका जो टफनेस होता है सब सेम होगा। एलएलबी का एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी? एलएलबी देखो ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो एलएलबी के लिए एक तो बी एलएलबी होता है, उसको आप जस्ट आफ्टर योर इंटरमीडिएट मेन 12th के बाद कर सकते हो, 5 ईयर्स का होता है, और एलएलबी होता है किसी भी ग्रेजुएशन के बाद आप करते हो, क्योंकि ये प्रोफेशनल होते हैं लॉ, तो इस लेवल का आप थोड़ा सा गेन कर लेते हो एक्सपर्टीज या नॉलेज, इसमें आप काफ़ी इसमें लेंथी सिलेबस होते हैं ना, जिसको आप समझने की एक थोड़ा सा आपके अंदर वो मैच्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो 3 ईयर्स का होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है ये, ग्रेजुएशन के बाद। तो ये यूजी डिग्री होता है कि पीजी डिग्री होता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें? देखिए पीजी डिग्री जो होता है ऑफकोर्स वो मास्टर्स डिग्री होता है, तो ये इसको अंडर ग्रेजुएशन, तो एलएलबी के बाद एलएलएम होता है वो पीजी में आ जाता है, वो 2 ईयर्स का होता है, मतलब आफ्टर एलएलबी आप एलएलएम करोगे वो 2 ईयर्स का होता है, और ये 3 ईयर्स ये अंडर मतलब यूजी में ही आएगा, अंडर ग्रेजुएशन में ही आएगा। थोड़ा बताइएगा कि अगर हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, बीए करते हैं, फिर एलएलबी करेंगे, फिर एलएलएम करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, फिर कहीं नियुक्त हो सकते हैं प्रोफेसर के टीचिंग के लिए, ये क्राइटेरिया हो रहा है ना, मतलब तो मतलब ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ही है एलएलबी, साफ साफ बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। और लॉ का मास्टर्स जो प्रोग्राम होता है वो एलएलएम है, आज घोषित कर देते हैं इसको लोग, बहुत 2 ईयर्स का है वो एलएलएम मास्टर्स होता है। देखो क्योंकि इसके मैं बता रहा हूँ ना, इसके सिलेबस काफ़ी लेंथी होते हैं, तो अगर आप जैसे कि आपने 12th के बाद अगर आप कर रहे हो
तो आपके पास ऑप्शन है 5 ईयर LLB जिसको बोलते हैं BA LLB, तो उसमें आप BA के मतलब कि आपके नॉर्मल जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, फिर सेकेंड या थर्ड ईयर में वो होता है, सब लॉ में बदल जाता है। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शॉर्ट में अब खत्म करते हैं। क्लासेस थी ना, क्लासेस थी आपकी। अच्छा, फीस कितना लगता है LLB करने का पूरा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देखिए काफ़ी कम फीस होता है करने का पूरा, एक्जैक्टली मैं बता सकता हूँ, उसके अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे किसी को हॉस्टल अलॉट होते हैं तो हॉस्टल का अलग चार्ज है, लेकिन बहुत ही लेस होता है। कितना लगा मेरे, मतलब 3000 सबका फी है ऐसे ईयरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, हाँ 3 to 5000 ऐसा वेरी करता है। प्लेसमेंट है क्या आप लोगों के फैकल्टी में LLB कोई कर रहा है तो? अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर है, प्लेसमेंट नहीं कह सकता, लेकिन जैसे प्रोफेसर्स वगैरह बताते हैं या सीनियर्स कुछ हैं तो BHU का क्या है कि देखो नाम ही काफ़ी है, मतलब कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है, इस तरीके से बैकग्राउंड है, टिकट ये दिए जाते हैं कि आप कहीं भी एक इंटरव्यू या फॉर्म ज्वाइन करते हो, या जैसे कि अभी ऐसा कहा जाता है, आपने एक और इंटरव्यू लिया, उन्होंने सर जो जज वगैरह थे उन्होंने बताया था कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट वगैरह में जाते हो इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करते हो, तो BHU नाम से ही मतलब दे विल गिव यू सच काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कि हाँ मतलब ठीक है, प्रिविलेज मिलता है BHU। अभी मेरे क्लास में कुछ हैं सीनियर्स हैं एक दो, मतलब जो लॉ कर रहे हैं वो, उन्होंने BSc MSc करके इवन दिल्ली में वो प्लेसमेंट हो गए अच्छे खासे अमाउंट पे, जो इवन नॉर्मल कॉलेज में आजकल इंजीनियरिंग के बाद लोग होते हैं 7-8-10 lakh समथिंग। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस हम अच्छा कर सकते हैं BHU का नाम लेकर के फील्ड में। हाँ, मतलब आपको थोड़ा सा वो कह सकते हो कि एडवांटेज मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि वो उनको पता है कि पढ़ाई का लेवल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। इंस्टीट्यूट ऑफ फेमिनिस्ट में आता है पूरा BHU? हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ये बना हुआ है, तो वो तो क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एग्जिस्ट करता है वैसा? जहाँ तक मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ या मेरे फ्रेंड्स लोग या ऐसे पढ़े, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। हमने तो विद इन 10 days ऑफ क्लासेस समझ गए थे, जो प्रोफेसर है लेवल मतलब काफ़ी अच्छा लेवल है, मतलब आपको एक बेसिक लेवल से वो चीज़ें क्लियर करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड अच्छा है बिल्कुल। इवन अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती तो प्रोफेसर है मतलब दे हैव हाईली रिस्पेक्ट, फिर भी वो आपको बेसिक लेवल पे जाके समझाते हैं, क्लियर करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। लाइब्रेरी, फैकल्टी, ये सब सारी चीज़ें आपको हर जगह सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए, बहुत आपको डिस्टर्ब कर लिया मैंने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं, अच्छा आप लोग हेल्प करते हो तो ऐसे स्टूडेंट के लिए थैंक यू टू यू, कि अच्छी बात है, ये कुछ डिस्टर्ब वाली बात नहीं है। थैंक यू, ठीक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो ये था पूरा हो गया प्रकरण, कैसे एडमिशन होता है, कैसे यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ हमने मालूम किया है। किसका? विधि संकाय का, फैकल्टी ऑफ लॉ का। और मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि हम अगर क्वेश्चन से हट रहे हैं तो आप अपना क्वेश्चन खुद बना करके हमको भेजें, ताकि हम वही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ सके लोगों से। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। देख लीजिए चैनल अगर देखना है तो। मैं देखा, मुझे ऐसा लग रहा है इंटरव्यू में देखा है, किसी और किसी इंटरव्यू लिए क्या? मैं LLB बहुत काम किया है, हमने तो एलुमिनाई टॉक भी किया है, जज बज यहाँ से पढ़ करके जज हो गए हैं। अच्छा, कोई यादव सर का आप ही नहीं लिया था? अच्छा, वो आप ही लिए था पक्का? कमेंट मेरा नीचे देखो आप। हाँ, अरे वो और कोई मिला बताइए आपका है? हाँ। कहीं आपने बैठ के लिया था जो इलाहाबाद से भी पढ़े हैं? हाँ, अच्छा, वो हमारा बहुत। आप देखना कमेंट मेरा। चलिए भाई लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे ना कोर्सेज के बारे में। अभी रुक जाओ 2 मिनट। हाँ, हाँ, आप लोग भाग रहे हैं क्या? थोड़ा सा मतलब जूनियर्स आपके जो आएंगे वही बताएंगे। अरे सुनिए बहन, सुनिए तो, हेलो। अरे पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं भाई, पढ़ाई लिखाई वाले सब अच्छे देंगे, बता रहे मैंने देखा आपका।